प्रथम तहलका न्यूज। टोहाना में नागरिक अस्पताल द्वारा शहर में आमजन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें इस बीमारी के प्रति सावधानी और जागरूक होने के बारे में बताया गया। वहीं इस दौरान विशेष तौर पर विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने भागीदारी की। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके बाद ये रैली निकाली गई, जिसमें कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नारे लगाए गए। वहीं इसको लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि शहर में लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए और इसके लिए सावधानी बरतने के लिए इस प्रकार की रैली का आयोजन किया गया है। हमने जो है ना कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और शहर में जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इससे कैसे बचाव के क्या कारण है इसका, इस प्रकार से ताकि लोगों को जागरूकता हो सके। आज हमने सभी स्टाफ को, हॉस्पिटल के स्टाफ को और जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, वार्ड सेवेंट हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी है कि कोरोना वायरस का किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार से इसका बचाव करना चाहिए। तो कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या बताया गया? कोरोना वायरस जो है हमारे वायरल इन्फेक्शन जो यहाँ पर फैली है, COVID-19 नाम के एक वायरस है, तो उसकी वजह से जो है हमारे हरियाणा स्टेट को भी एपिडेमिक घोषित किया गया है और दूसरे स्टेट्स में भी इसकी मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो है जुकाम होता है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये कोरोना है या नहीं। हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि अगर कोई बाहर से आया हुआ है उसको हम आइसोलेशन में रखते हैं 14 दिन के लिए। यदि उसको सिम्टम्स हैं तो उसको हम सैंपल के लिए ऊना के लिए हम भेजते हैं या हायर अथॉरिटी को हम उनके सैंपल के लिए भेजते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि किसी प्रकार के जो हैंड वॉशिंग है, बार बार हाथ धोएं, जो लोग हैं भीड़ भाड़ इलाकों में कभी ना जाएं और इसकी जानकारी ही इसके इलाज है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।